हेलो एंड वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक लिप मार्क्स एंड लिप स्क्रब का रिव्यू एंड डिटेल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो एंड देखते हैं आज मैं आपके लिए कौन सा लिप एंड मार्क्स लेकर आई हूँ। सो गाइस, ये है जस्ट हर्ब प्योर स्पोक एंड आयुर्वेदिक एंड ये है एक लिप मार्क्स एंड लिप स्क्रब। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि लिप मार्क्स एंड लिप स्क्रब का मैं दोनों का साथ ही रिव्यू कर रही हूँ जस्ट बिकॉज मैंने इसको परचेज किया है सिम्पटन्स से और सिम्पटन्स का ये प्रोडक्ट है। और आपको भी पता है कि मैंने स्टार्ट कर रखी सीरीज जो प्रोडक्ट मैंने सिम्पटन्स से परचेज किए हैं, यूज़ किए हैं, वही उनके साथ उनका जो रिव्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिप स्क्रब एंड लिप मास्क की हमें क्यों नीड होती है, क्या ज़रूरत है कि हमें लिप स्क्रब और लिप मास्क करना चाहिए। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल्स हो या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो या आप स्कूल वगैरह टीनेजर्स वगैरह एज में हैं या आप किसी भी एज में हैं तो हमें अपने लिप्स की केयर करने के लिए हम उस पर लिप बाम भी अप्लाई करते हैं, लिप ग्लॉस भी लगाते हैं, लिपस्टिक भी लगाते हैं एंड और भी अलग अलग वेरियंट्स हैं लिपस्टिक के, वो भी अप्लाई करते हैं। पर कहीं ना कहीं जाकर हमारे जो लिप्स होते हैं वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाते हैं। जैसे हमारी स्किन होती है फेस की, हम मेकअप अप्लाई करते हैं, अगर हम नहीं भी करते हैं तो हम एक स्किन केयर फॉलो करते हैं जिससे हमारी स्किन ग्लो करे, एक्ने पिंपल से फ्री रहे हमारी स्किन और मतलब जितनी भी जो हमारी स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है जब हम केयर नहीं करते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है हमारी स्किन में, डिहाइड्रेट लगती है, अनइवन लगती है, तो उसके लिए हम एक स्किन केयर फॉलो करते हैं। तो उसी तरह से हमारे लिप्स होते हैं, हमें अपने लिप्स की भी बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए क्योंकि हमारे फेस पर हमारा लिप्स जो होते हैं वो भी एक मेन रोल जो है वो प्ले करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है जब हमारे जो लिप्स होते हैं ड्राई हो जाते हैं एंड कभी कभी आपने देखा होगा कि हम वाटर नहीं पीते तो हमारे होंठ फटे फटे भी हो जाते हैं, मतलब बहुत तरह से डैमेज हो जाते हैं बहुत चीज़ों से कि हम जो अप्लाई मतलब लिप बाम्स कुछ होते हैं, कुछ लोगों को लिप बाम अप्लाई करने की आदत नहीं होती तो उनके लिप्स आपने देखे होंगे बहुत बुरे होते हैं। और बहुत से लोग होते हैं जो ज़्यादा पानी नहीं पीते तो उनके लिप्स पर भी इफेक्ट पड़ता है। और आपने जब देखा होगा जब आपका वेदर जो मौसम होता है वो चेंज हो रहा होता है तो सबसे पहले जो हमारे लिप्स होते हैं वो मतलब ड्राई होने लगते हैं, सूखने लगते हैं और फटने लगते हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए और लिप्स की भी केयर करनी चाहिए। और सबसे पहले मैं बात करूंगी लिप स्क्रब से, फिर हम लिप्स मास्क का रिव्यू करेंगे। अगर मैं बात करूँ दोनों वेरियंट्स की तो दोनों वेरियंट्स मिंट्स हैं, ठीक है, मतलब उसमें आपको और भी देखने को मिल जाएंगे, रोज़ का मिल जाएगा, एप्पल का मिल जाएगा, वो और भी मैं आपको दिखाऊंगी इसमें मेंशनड है। तो पहले हम लिप स्क्रब के बारे में हम बात करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम पैकेजिंग के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, आप स्क्रीन पर आपको क्लियर दिखेगा तो आप रीड आउट भी कर सकते हो, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बता के चलूँगी क्योंकि दो प्रोडक्ट हैं तो हो सकता है वीडियो लॉन्ग हो जाए। तो आप देख सकते हो ये इसकी कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है एंड इसके ऊपर इसकी शेल्फ लाइफ मेंशन है, 05/2022 से लेकर 05/2025 तक आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसकी MRP है 165 रुपीज़, पर आप जब सिम्पटन से परचेस करोगे तो आपको ये एक ट्रायल पॉइंट पर मिल जाएगा। और इसके इस तरफ आप देख सकते हो इसमें जो प्रोडक्ट डाला हुआ है लिप स्क्रब विद गो टू कोला एंड लिक्रोराइज एंड फॉर पिगमेंटेड डल ड्राई एंड जो आपके चैपेड लिप्स होते हैं उनके लिए। क्वांटिटी इसकी 5 ग्राम है एंड इसके बैक साइड पे इसकी कुछ डिटेल मेंशन है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अप्लाई करने का भी तरीका दे रखा है। और ये क्रूटी फ्री, वेगन फ्री एंड पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री ये प्रोडक्ट है तो बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट है। इसके इधर इसके की इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, ठीक है, और अदर इंग्रेडिएंट भी लिखे हुए हैं तो आप इसके इस तरफ डायरेक्शन यूज़ करने का दे रखा है। आयुर्वेदिक है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, नो पैराबेन एंड नो मिनरल ऑयल्स है। तो ये है इसके वेरिएंट पीच, रोज, ग्रीन, एप्पल, मिंट एंड कार्डिमम और मेरा जो है वो है मिंट। अब मैं इसे ओपन कर लेती हूँ एंड देखते हैं अंदर से हमें किस तरह का फेस देखने को मिलता है। ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और आप देख सकते हो ये नीचे से ट्रांसपेरेंट है तो आपको प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा और मिंट लिप स्क्रब है। और मैं इसको ओपन कर लेती हूँ तो ये कुछ इस तरह का है। अब हैंड पर अप्लाई करके दिखा देती हूँ मैं आपको तो आप देख सकते हो। मैं बात करूं तो इसमें जो बीन्स डले हुए हैं वो आपको फील होंगे कि हाँ इसमें बीन्स हैं, फाइन है बट हाँ आपको लगेगा। और इसमें जो फ्रेगनेंस है वो बहुत ही अच्छी मिंट की आ रही है और आप देख सकते हो इसमें आपको जो ऑयल वगैरह जितने भी प्रोडक्ट इसमें इंग्रेडिएंट दे रखे हैं जो कि मैंने आपको दिखाए वो सब इसमें है। और आप देख सकते हो ये एकदम इसका जो टेक्स्चर है वो ऑयली टाइप में है।
अब बात कर लेती हूँ मैं लिप मार्क्स के बारे में। तो आप देख सकते हो इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 09/2022 से लेकर 09/2025 तक आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसका जो MRP है वो 185 रुपीज़ है, बट आपको एक ट्रायल पॉइंट मिल जाएगा। और यहाँ पे इसका है लिप मार्क्स, और जैसे कि ये दोनों जो है वो एक ही वेरियंट है, मतलब सेम वेरियंट है, तो इनमें जो इंग्रेडिएंट है वो भी सेम है, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसके इसके नीचे चलूँ तो आप देख सकते हो वही डिटेल मैंशनड है इसके, इस तरफ इसके की इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं कि इसमें क्या क्या डला हुआ है, तो आप देख सकते हो। इसके इस तरफ आप देख सकते हो डायरेक्शन दे रखा है, आयुर्वेदिक, मेड इन इंडिया, नो पैराबेन, नो मिनरल ऑयल्स। एंड अगेन इसके इस तरफ वही मेंशन है जो स्क्रिप्ट के पैकेट पर है, पीच, रोज, ग्रीन एप्पल, मिंट एंड कार्डियम में इसमें आपको वेरियंट देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको ओपन कर लेती हूँ मैं, तो कुछ इस तरह का फेस आपको देखने को मिलेगा। और इसके नीचे आपको अपना प्रोडक्ट दिख रहा होगा, ट्रांसपेरेंट है ये, कुछ इस तरह का है। हैंड पर लेकर दिखा देती हूँ तो आप देख सकते हो। कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो कंसिस्टेंसी अच्छी है, और जैसे कि पता है आपको मिंट का है तो उसमें वही चीज़ है, मिंट की फ्रेगनेंस है, और आप देख सकते हो। सो गाइज, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि आपको लिप्स और मार्क्स क्यों लगाना चाहिए लिप्स पर, और मैंने इसका ओवरऑल रिव्यू आपको कर दिया, ठीक है। इन केस कोई अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अब मैं बात कर लूँ वर्क की, तो आपको पता होगा कि जो स्क्रब होता है वो आपके लिप्स को एक्सफोलिएट करेगा, मॉइस्चराइज रखेगा, और जो आपके लिप्स में पिगमेंटेशन जो होता है उसको रिड्यूस करेगा, और जो आपके चैपेड लिप्स हो जाते हैं उनको हील्स करने का ये काम करेगा। एंड बात करूँ मैं मार्क्स के बारे में, तो मार्क्स आपके लिप्स को हाइड्रेट रखेगा, और जो आपके चैपेट लिप्स होते हैं उनको हेल्स करेगा, रिड्यूस करेगा इनकी पिगमेंटेशन को, और आपके जो लिप्स होते हैं उसको प्लम्पर, मतलब एक बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा कर देगा, ब्यूटीफुल बना देगा आपके लिप्स को। तो आपको लिप्स की केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये ओवरऑल डिटेल्स थी इसकी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और बात करूँ इसके ड्यूरेशन की कि आप इसको कब तक यूज़ कर सकते हो, तो मैं बात करूँ मतलब कितने टाइम, मतलब कितनी बार आप लगा सकते हो, तो आप इसको 7 to 8 टाइम आप इसको लगा सकते हो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। वरना आप बड़ा भी परचेज कर सकते हो अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है। सो गाइस, ये था मेरा आज का ऑल ओवर रिव्यू, आई होप आपको अच्छा लगा हो। इन केस आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये परचेज करना है, ट्राई करके देखना चाहते हो, तो आपको परचेज लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।